बस सुची कहां थी तू? हम सबने तुम्हें कितना ढूंढा है, और ये तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी। क्या हुआ सुची? किडनैप हो गए थे। किडनैप? किसने किया ये सब कुछ सुची? हमें बताओ, हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मानसी ने किया था हमें किडनैप। मानसी, ये तुम क्या कह रही हो सुची? मानसी तुम्हें किडनैप क्यों करेगी? आज हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहे हैं। मानसी पागल नहीं है। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। वो पागल होने का सिर्फ दिखावा कर रही है, सिर्फ दिखावा। मानसी ने हमें जिंदा काटने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रही हो सुची? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मानसी ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना कि मानसी की दिमागी हालत सही नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही है। मानसी पागल होने की एक्टिंग कर रही है, सिर्फ एक्टिंग। वो पागल नहीं है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। नहीं सुची, नहीं। जो तुम बोल रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि हमारी बहन ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऊपर सो रही है। तो आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? करुण, कुटबरी सच बोल रही है। हमने देखा है, सच बात है ये। वो बैड गर्ल है। हाँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? अरे, मेरी बच्ची तो अपने हाथों से पानी तक नहीं पी सकती, और तुम उस पर किडनैपिंग, मर्डर, इतना बड़ा आरोप लगा रही हो। तुम इतना बड़ा आरोप मेरी बेटी पर कैसे लगा सकती हो सुची? हम बेवजह मानसी पे इल्जाम क्यों लगाएंगे? जो सच है हम बस वही सामने ला रहे हैं। सच? तुम जानना चाहती हो सच क्या है? सच तो ये है कि तुम्हें मानसी की खुशी देखी नहीं जाती। मानसी हंसती है तो प्रॉब्लम है, यहां पर अगर वो खेलती है तब तुम्हें प्रॉब्लम है। मानसी कुछ भी करती है तुझे प्रॉब्लम। अरे, ये तुम्हारी बहन को दोबारा जेल भेजना चाहता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। प्लीज, कोई गलत फहमी हुई है। हम सुची से बात करेंगे, सब कुछ। अरे, अंधा हो गया है तू, अंधा इस लड़की के प्यार में। तो वाह, तुम्हें क्या दिखने वाला है? कुछ नहीं, पट्टी बंदी है इसके प्यार की। अरे, ये लड़की तो बहुत शातिर है। पहले इसने अपना मोबाइल स्टोर रूम में लॉक करवाया, और उसके बाद सारा दिन गायब रही। और
अचानक अब आ गई है मुंह पर सारी मिट्टी पोत के और मेरी मासूम बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। बस कीजिए बबली जी, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, तो हम भी हमारे सुलझे से प्यार करते हैं। इसका माता नहीं फिरा है जो ये मुंह पर मिट्टी लगाकर घूमेगी। सुमन, क्या कहा तुमने? माता नहीं फिरा? तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि मेरी बेटी पागल है? खबरदार, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल कहने की, जबकि तुम जानती हो कि ये सब मेरी बेटी के साथ एक हादसे में हुआ है। अगर तुम लोग को इस घर में रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलो। प्लीज। ठीक है आंटी, हम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाते। बुलबुली, हम कहाँ जाएंगे? जी, ये तुम क्या बोल रही हो? आपने हमसे कहा था ना कि सुबह से मानसी घर पर ही, तो बुलाइए उसे यहाँ, बुलाइए और उसे हमारे सामने खड़ा कीजिए। अगर वो घर पर हुई तो हम अभी इसी वक्त घर छोड़ के चले जाएंगे। सुची, ठीक है, फैसला होगा। देखो, देखो अपनी आंखों से और जवाब दो ना मुझे। जब हम लोग नीचे बात कर रहे थे उसी वक्त मेरी नादान बेटी दो माले चढ़कर खिड़की से कूदकर यहां आकर कमरे में लेट गई। हाँ, मुझे जो प्रूव करना था मैं प्रूव कर चुकी। अब क्या मैं सामान बांधू तुम्हारा या तुम सामान बांधकर यहां से गेट आउट होती हो? माँ प्लीज, हमारी बात ध्यान से सुनिए। सुच्ची कहीं नहीं जाने वाली, उसने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा है। माँ मानसी किधर गई? हम तो कह रहे थे हम आपसे, लेकिन आप लोगों को तो प्रूफ चाहिए था ना, ये रहा प्रूफ। मानसी कहाँ गई? अरे मानसी कहाँ गई? मानसी किधर गई? मानसी ये लड़की जा कर सकती है? सुची, मानसी पहले भी ऐसे कर चुकी है, वो गद्दे रख के छिप जाती है, वो घर पे ही है, हमें उसे ढूंढना होगा। मानसी ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगी वो। अपना सब कुछ पता चलेगी कि वो आंटी कितनी बुरी है। माँ मानसी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। आरव, ये मानसी की आवाज है। बॉल है ना, वो उधर बाहर ऐसे घूम गया और जब मैं गई ना तो एक गाड़ी ने पीछे से आके मुझे पुश कर दिया और जोर से लगी मुझे यहाँ पे। ये क्या हुआ ऐसे? ये रास्ते में बॉल के पीछे पीछे भाग रही थी, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अरे रब्बा, ये तो अच्छा हुआ कुछ लोग थे वहाँ पर और इसे हॉस्पिटल ले गए,
वरना तो बहुत खून बह जाता थी। किसने मारा हमारी बहन को? और तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी नहीं। और मानसी, तुम घर के बाहर क्या कर रही थी? तुम तो ऊपर सो रही थी ना? जी, वहाँ के डॉक्टर ने हमें बताया कि ये यहाँ रहती है, हम लोग इसे छोड़ने के लिए आ गए। भाई साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सब वही लोग जिन्होंने मानसी के कहने पर हमें अगवा किया था। है ना? ये क्या कर रही मैडम आप? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम इसके डंडे पड़ेंगे ना, तब समझ आ जाएगा सब कुछ। अरे सर, आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस को बुलाइए। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मानसी के कहने पर हमें किडनैप किया था। हम कह रहे थे कि मानसी पागल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है, ये एक्टिंग कर रही है। आप लोग मानते क्यों नहीं हमारी बात? ये पागल नहीं है। इसे चोट भी तब लगी थी जब ये हमें दफनाने वाली थी। हम कह रहे हैं आपसे, ये पागल नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे के खिलाफ एक शब्द भी बोला, अपने प्यार के जादू से तुम मेरे बेटे को फंसा सकती हो, उसे काबू कर सकती हो, एक भाई को बहन के खिलाफ कर सकती हो, लेकिन एक माँ को अपनी बेटी के खिलाफ नहीं कर सकती। सूची, समझी के और समझाओ तुझे। हमारी बुलबुल को थप्पड़ क्यों मारा? क्या आंटी झूठी है? क्या आंटी पागल ने क्या एक्टिंग कर दी है? बहुत बुरी है ये, इनको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। हम जानते हैं सुची कि तुम किसी को बेवजह ब्लेम नहीं कर सकती, पर हम ये भी जानते हैं कि मानसी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वो तो एक छोटे से बच्चे की तरह है। इतने महीनों से हम उसे देखते आ रहे हैं। हम तुम्हारी ये गलतफहमी जरूर दूर करेंगे। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि मानसी ने तुम पे अटैक करवाया। सुची बेटा दरवाजा खोलो। सुची, देखो रोते नहीं बेटा। सुची, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, एक मिनट खोलो ना दरवाजा। ऐसे रोते नहीं है वो।
बुरबुरी तुम रोती हो, हमें भी रोना आता है बुरबुरी। बुरबुरी उस सबने तुम्हारे पर मिट्टी डाला, तुम्हारे पास सांप मिलाया, पर उसके बाद भी वो आंटी तुम्हें क्यों पनिश किया बुरबुरी, तुम्हें क्यों पनिश किया? वो आंटी बहुत बुरी है बुरबुरी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं पुतू, बबली आंटी बुरी नहीं है, उनकी बेटी बुरी। आज हमें थप्पड़ उस बेटी की माँ ने मारा जो अपनी बेटी की असलियत नहीं जानती, लेकिन वो तो हमें पूरा यकीन है एक ना एक दिन मानसी की सच्चाई सबके सामने आएगी। वो बहुत बुरी है, उसे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वो तो बहुत किस्मत वाली है, वो लड़की बार बार बच जाती है। वो तो अच्छा हुआ मेरी सच्चाई मेरे घर वालों के सामने नहीं है, वरना सब कुछ बिगड़ जाता। मुझे जल्द से जल्द उस लड़की से निपटकर अपने प्यार को पाना है, सुबह तो शादी करनी, उसके बाद उस औरत से भी निपटूंगी जो मुझे मेरे प्यार से अलग कर रही है। तुम्हारी वजह से हमारी बुरबुरी रो रही है और तुम यहाँ गुड़िया गुड़िया खेल रही हो। तुमने बहुत बैठ गलो, बहुत बैठ गए। देखो अब हम क्या करते हैं। पागल की एक्टिंग कर रही थी ना, करो अभी भी करो। तुम बच गई मानसी, पर अगली बार देखना हम क्या करते हैं। बची मैं नहीं, बची तुम। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, आज तक हमें कोई नहीं पहचान पाया, ना पुलिस, ना मेडिकल रिपोर्ट्स, ना सोसाइटी, कोई नहीं। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे पहचान नहीं पाई। तो सोचो मानसी, हमने कैसे पहचान लिया। तुम्हारा असली चेहरा हम सबके सामने ला कर रहेंगे मानसी, सबको दिखाएंगे कि तुम पागल नहीं हो। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, लगता आज माँ का थप्पड़ तुम भूल गए। थप्पड़ उधार रहा, तुम क्या हो ना, ये सब हम आरव सर के सामने ला कर रहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना सुची, मैं मेरे भाई आरव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो वही मानेगा, वही सुनेगा और वही बिलीव करेगा जो उसकी बहन कहे। आरव, इसने मुझे मारा। आरव मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव और रही बात चैलेंज की,
तो मैं तुझे चैलेंज करती कि आने वाले महाशिवरात्रि से पहले मैं तुझे मेरे भाई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं मेरे सुबोध से शादी करूंगी और फिर उस औरत का रास्ता साफ करूंगी जो मुझे मेरे प्यार से छीन रही है। कौन किसका रास्ता साफ करेगा ना मानसी, ये तो वक्त ही बताएगा।